फाइटर मूवी का बेसिक प्लॉट इंडियन एयरफोर्स के दो प्रोमिनेंट एयरबेस में शूट किया गया है, जिनमें से एक है किशोक बकुला एयरबेस। अब अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो मुझे माफ कर देना, लेकिन ये इंडिया का हाईएस्ट एयरबेस है विद एन एलिवेशन ऑफ 3,256 अबव सी लेवल। इसके अलावा दूसरा जो एयरबेस हमें दिखाया गया इस मूवी के अंदर वो है यूपी गाजियाबाद में सिचुएटेड हिंडन एयरबेस। अब अगर मैं फिर से इसका नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो अगेन सॉरी, लेकिन ये एयरबेस एशिया का सबसे बड़ा एयरफोर्स स्टेशन है विद एन एरिया ऑफ 55 स्क्वायर किलोमीटर। अब इसके बारे में डीपली बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, लेकिन इस सीन में तो भाई सिद्धार्थ आनंद ने दीपिका पादुकोण की फैंटेसी पूरी कर। बाकी क्या इस मूवी के अंदर भी हमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एंगल देखने को मिलेगा, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है अभि एंड यू आर वॉचिंग सिनेमा विद अभि। स्टार्टिंग में मूवी के तीन प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आगे वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले है स्क्वाड्रन लीडर मीनल राठौर, जिनका कॉल साइन है मिनी एंड इसको प्ले कर रही है अपने दीपिका पादुकोण। उसके बाद है ग्रुप कैप्टन राकेश जयसिंह, जिनका कॉल साइन होने वाला है रॉकी एंड इनको प्ले कर रहे हैं अपने एनिमल के पिताजी यानी कि अनिल कपूर। एंड अपने मेन लीड में है स्क्वाड्रन लीडर शमशेरा पठानिया, जिनका कॉल साइन होने वाला है पैटी एंड इनको प्ले कर रहे हैं नन अदर देन ऋतिक रोशन। अब ये तीनों ही कैरेक्टर एयर ड्रैगन यूनिट का पार्ट होने वाले हैं, जिनके कमांडिंग ऑफिसर है रॉकी भाई, वो वाले नहीं राकेश जयसिंह यानी कि अपने अनिल कपूर वाले रॉकी। इस मूवी का मेजॉरिटी पार्ट दो एयर बेसिस पे टेक प्लेस करेगा, मतलब मूवी एरियल एक्शन पे है तो ये तो ऑब्वियस है ना। सबसे पहले अपने पैटी के ट्रेनिंग पीरियड में हमें गाजियाबाद का हिंडन एयरबेस दिखाया जाएगा, जहां पे इनके एयरफोर्स की ट्रेनिंग वगैरह होगी। अब आप लोग ये भी पूछ सकते हो कि भाई इसकी क्या गारंटी है कि ये एयरबेस हिंडन एयरबेस ही है। तो बेसिकली ट्रीजर के इस शॉट में हम देख सकते हैं दो बंदों को बाइक राइड करते हुए। अब इस बाइक के तुम अगर नंबर प्लेट पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे UP16 का नंबर डाला हुआ है एंड UP16 गाजियाबाद का ही नंबर है एंड गाजियाबाद में अपना हिंडन एयरबेस ही है। एंड मोस्ट प्रोबेबली टीजर के अंदर से ऋतिक का ये वाला शॉट हिंडन एयरबेस के अंदर ही है, क्योंकि अपन यहाँ पे बहुत सारी फाइटर प्लेन्स देख सकते हैं। बेसिकली ये प्लेन्स है पिलेटस PC-7, जिनको यूजुअली ट्रेनिंग्स में ही यूज किया जाता है। ट्रेनिंग के बाद पैटी की पोस्टिंग हो जाएगी लेह के कुशोक बगुला एयरबेस में, जहां वो रॉकी भाई के अंडर ऑपरेट करेगा। KGF वाला रॉकी नहीं, अनिल कपूर वाला रॉकी। एंड इसी एयरबेस से मूवी के मेजॉरिटी इवेंट्स टेक प्लेस करेंगे। सिंस टीजर में जितने भी हम लोगों ने एयरबेस के शॉट्स देखे हैं, 80-90% में अपन पीछे बैकग्राउंड में हिमालयन रेंज को नोटिस कर सकते हैं। अब इसी एयरबेस में अपने पैटी को मिनी मिलेगी, यानी कि ऋतिक रोशन के कैरेक्टर को दीपिका पादुकोण मिलेगी एंड दोनों के बीच में रोमांस वगैरह भी चलेगा, जिसका एक शॉट टीजर में भी है जहां दोनों बाइक राइड कर रहे होते हैं। अब इसी बाइक का वापस से नंबर प्लेट देखोगे तो यहां पे JK-10 लिखा हुआ है, जो कि बेसिकली लेह का नंबर है। और ये मेरा पॉइंट भी प्रूव कर देता है कि दूसरा एयरबेस जो इस मूवी के अंदर है वो लेह का कुशोक बगुला एयरबेस है। अब हमें पैटी और मिनी दोनों की टी शर्ट को देख के ये बात साफ पता चल जाती है कि जो अपना ऋतिक रोशन है वो फाइटर एयरक्राफ्ट का पायलट है, वहीं पे जो अपनी मिनी है वो हेलीकॉप्टर की पायलट है एंड अपन टीजर में उसको हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए भी देखते हैं। इसके अलावा मूवी में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एंगल तो फॉर श्योर होने वाला है, क्योंकि टीजर के एंड होते होते हमें एक डॉग फाइट का सीक्वेंस दिखाया जाता है। डॉग फाइट मतलब कुत्तों वाली फाइट नहीं, डॉग फाइट बेसिकली एयरफोर्स में एक टर्म होता है जिसका मतलब होता है क्लोज रेंज एरियल बैटल बिटवीन टू एयरक्राफ्ट्स। अब इस डॉग फाइट में एक प्लेन तो पैटी का है जो कि क्लियरली दिख जाता है, उसके हेड पे लिखा हुआ है पैटी एंड साथ ही साथ इस प्लेन में भी इंडिया का सिंबल बना हुआ है। लेकिन जो अपोजिट में एयरक्राफ्ट अपने को देखने को मिल रहा है वो हल्का ग्रीनिश कलर में है एंड ग्रीन कलर किसको डिफाइन करता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। स्पाई मूवीज तो तुमने खुद देख लिया, तुमने इतनी स्पाई मूवीज को सपोर्ट कर दिया कि स्पाई यूनिवर्स बन गया, तो इतना इजी हिंट तो इजीली समझ जाओगे। उसके अलावा मूवी के इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एंगल को और भी ज्यादा कंफर्म करने के लिए अपने को टीजर में कुछ सर्जिकल स्ट्राइक्स भी दिखाई जाती हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट वहीं से होगा और अपने ऊपर अटैक होगा, जिसके बाद अपने बहुत से सोल्जर्स और कैडेट्स मारे जाएंगे, जो कि टीजर के इन शॉट्स में भी क्लियर है, जहां पे हम देख सकते हैं कि भाई बहुत सारे कैडेट्स फाइनल सैल्यूट दे रहे हैं सोल्जर्स को जो कि शहीद हो चुके हैं, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एंगल तो फॉर श्योर इस मूवी में होने वाला है। इसके अलावा इस मूवी में एरियल एक्शन तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ऋतिक भैया के हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीक्वेंस भी है, जिसका थोड़ा बहुत ग्लिम्स अपने को टीजर में देखने को मिल जाता है, जहां सबसे पहले इस शॉट को देख के मुझे ये लगा कि भाई अपना पैटी मिनी को बजा रहा है, मतलब वो लिटरली बजाएगा ही इस मूवी के अंदर, लेकिन पीट रहा है मेरे कहने का मतलब। लेकिन फिर जब इस शॉट का कंटिन्यूएशन हमें आगे थोड़ा बहुत ग्लिम्स में दिखाया जाता है, तब हमें पता चलता है कि भाई ये लंबे वालों वाले भैया हैं जिनकी कुटाई हो रही है ऋतिक भैया के हाथों। लेकिन यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि ऋतिक के पंचेस बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल फील होते हैं। ओवरऑल टीजर की बात करूं तो टीजर मुझे काफी सही लगा, बहुत सारे ऐसे ब्यूटीफुल शॉट्स थे जो कि मेरा ध्यान अचानक से ग्रैब करके ले गए। जैसे टीजर का एंड शॉट जहां पे अपना पैटी इंडियन फ्लैग को लेके उतरता है, वो एकदम रिजेंबल करता है YRF की वॉर मूवी से, जहां पे अपने को ऋतिक का एंट्री सीक्वेंस दिखाया गया था। मतलब
मतलब देख के काफी सिमिलर लगता है एंड सिंस डायरेक्टर सेम है एक्टर सेम है तो हो सकता है सिमिलरिटी बन गई हो। मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा, मुझे तो देख के अच्छा लग रहा है। उसके अलावा पर्टिकुलरली ये शॉट मुझे काफी शानदार लगा, बिना टेक्स्ट के डालते तो और बेहतर था। अगर VFX एंड CGI की बात करूं तो ओवरऑल मुझे ठीक ठाक लगी, अगर उन पे डिटेल में बात करने बैठूंगा तो एक 10 मिनट की वीडियो और बन जाएगी। थोड़े बहुत एरर्स जरूर है VFX में, अगर आपको पता है वेयर टू लुक तो आप नोटिस कर जाओगे कि VFX में एरर्स कहां पे हैं। हालांकि मैं कंप्लेंट बिल्कुल नहीं कर रहा क्योंकि उनका बजट बहुत ज्यादा लिमिटेड था, तो उतने बजट में जितना करके दिया है अभी के लिए तो ठीक लग रहा है, लेकिन मूवी आने के बाद अच्छे से पता चलेगा कि एक्चुअली में ओवरऑल VFX कैसा है। बाकी यही थी एक छोटी सी वीडियो फाइटर के टीजर ब्रेकडाउन के ऊपर। अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो इधर उधर से दाएं बाएं से तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर ऐसी इंटरेस्टिंग ब्रेकडाउन्स और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। मेरा नाम है अभी, एंड यू आर वॉचिंग सिनेमा विद अभी।